हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूबी आकाश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज 31 दिसंबर है और कल आपका नया साल आ जाएगा 2024। तो दोस्तों, इस साल भी हमको मतलब सफलता नहीं मिल पाई है 2023 में। उम्मीद तो यही थी कि 2023 में सफलता मिल जाएगी, मेहनत जो करी थी उसका हमको फल मिल जाएगा, पर अभी तक दोस्तों वो मिला नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप सभी ने जिस बच्चों ने सीआईएसएफ ड्राइवर का जो यहाँ पर पेपर दिया था, सीआईएसएफ ड्राइवर और डीसीपीओ वाला, ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चों के नंबर, जैसे मेरे थे 69 नंबर थे, और 69 पर डीसीपीओ की एससी की मेरिट गई थी, तो फिर भी मेरा उसमें नंबर नहीं आया। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही जो नंबर बच्चों के सेम नंबर हैं और काफ़ी बच्चों के उसमें नंबर नहीं आए हैं, तो उसमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगी। जो उसमें नोटिस में दे रखा था सीआईएसएफ के में कि वेटिंग लिस्ट इनकी नहीं आती है, ऐसा बताया गया है। और मैंने भी दो तीन जो सीआईएसएफ के जानकार हमारे साथ के हैं, तो उनसे मैंने भैया से पूछा कि भैया क्या हो सकता है, और दो तीन बड़े बड़े उनसे बात करी मैंने, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इसकी सीआईएसएफ की वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि सीआईएसएफ की वेटिंग लिस्ट, जब 2019 की बात करते हैं, 2019 की भर्ती की बात करता हूँ सीआईएसएफ ड्राइवर वाली, तो उसमें दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट तब आई थी जब बच्चों ने कोर्ट केस किया था। ठीक है, उसकी वेटिंग लिस्ट जब आई थी जब बच्चों ने कोर्ट केस किया था। अगर आप सब एकजुट होकर के मेरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से सुनना, जो बच्चा सीआईएसएफ वाला है वो बच्चा इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखे, और एक आज आपको एक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो बच्चा सीआईएसएफ ड्राइवर से एक एक नंबर से रहा है, मतलब कि जो बराबर भी नंबर है ना जिसके, जैसे कि 70 पर मेरिट गई थी तो 70 नंबर हैं, तो दोस्तों वो बच्चा रह गया है फिर भी। तो जिन बच्चों के बराबर बराबर नंबर हैं वो एकजुट हो और अपने ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, उनसे पूछो कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया जब हमारे नंबर इतने थे। हालांकि ये होता है कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है कि जब किसी बच्चों के सेम नंबर होते हैं, बराबर नंबर होते हैं, तो उसमें जिसकी एज ओवरेज वाले को पहले लिया जाता है। ठीक है, ओवरेज वाले को लिया जाता है, और तो दोस्तों उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने 708 बच्चे ही पास किए हैं सीआईएसएफ ड्राइवर में, 708 बच्चे ही पास किए हैं, तो क्या वो 708 बच्चे ही मतलब कि मेडिकल फिट हैं? नहीं है ना, 708 बच्चे ही मेडिकल फिट नहीं हो सकते। तो इसलिए दोस्तों, और उन 708 बच्चे उनमें जो सीआईएसएफ में गए हैं जिनका मतलब मेडिकल हुआ है, उनमें से दोस्तों कम से कम 40-50% बच्चे ऐसे हैं जिनका जिनका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हुआ है। ठीक है, जिनका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हुआ पड़ा है, उनका नंबर आया पड़ा है, उनका मेडिकल भी हो गया है, वो फिर भी एक बार अपना सीआईएसएफ के लिए गए हैं, और सीआईएसएफ में साथ के साथ दोस्तों मेडिकल होने के बाद साथ के साथ आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। इस बात को विशेष ध्यान दें, सीआईएसएफ में साथ के साथ ही आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है मेडिकल फिट होते ही। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार एकजुट होकर के सभी बच्चे आवाज़ उठाएँ, अपना हक मांगें कि आप 708 आपने भर्ती कि दोस्तों आपने 708 वैकेंसी निकाली है, तो आप 708 ही बच्चों को वहाँ पर नौकरी दें, उनको मौका दें नौकरी में पाने का। क्योंकि कुछ बच्चे इसमें एबसेंट हैं, जो एबसेंट हैं एक तो वो बच्चे हो गए, और दूसरे बच्चे वो हैं उसमें जो जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हुआ पड़ा है। ठीक है, तो वो सीआईएसएफ की ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सिर्फ केवल दिल्ली पुलिस ही ज्वाइन करेंगे, वो सीआईएसएफ उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली बहुत अच्छी है सीआईएसएफ के मुकाबले। ठीक है, हालांकि सीआईएसएफ भी एक अच्छी नौकरी है, पर सीआईएसएफ दिल्ली के मुकाबले, मतलब दिल्ली बहुत अच्छी है सीआईएसएफ के। ठीक है, तो दोस्तों अपनी आवाज़ उठाएं, और ये जैसे भी हो सकता है, कोर्ट के जरिए हो या कुछ भी आपको करना हो, उसके लिए कुछ जो बच्चे हैं हमारे जिन बच्चों का नहीं आया है, जैसे मैं एक खुद हूँ, तो इसलिए आवाज़ उठाओ दोस्तों, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे एबसेंट हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर में और डीसीपीओ में उनका हो गया था, वो फायर वाले में। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एबसेंट हैं, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको जो जो नौकरी मिल रही है इस टाइम, वो दिल्ली को ज्वाइन करेंगे सीआईएसएफ को, खामखा में ही मेडिकल के लिए दोस्तों गए हुए हैं,
तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, एकजुट होएं और जो जो बच्चा मेरे साथ रहेगा, दोस्तों इस बात को ध्यान सुनना, जो बच्चा मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ देगा, तो हम आपका साथ लेकर के एक दिन रख करके कि हाँ ये दिन है और ये तारीख है, उस दिन हम बात करेंगे वकील से या कोर्ट में जा कर के, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हो या कुछ भी, मतलब एक केस हो, कुछ भी हो, हम वो डालेंगे। क्योंकि 2019 में भी दोस्तों CISF की ऐसे ही मेरिट, मतलब जो आपकी वेटिंग लिस्ट थी, वो भी वेटिंग लिस्ट तभी आई थी दोस्तों जब आपका कोर्ट केस डला था। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने की बहुत कम संभावना है, वो आ सकती है, तो सिर्फ आपको एकजुट होना पड़ेगा तभी वो आ सकती है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस बात को लेकर के, जो मैंने बात पर यह वीडियो बनाई है। तो दोस्तों और जो बच्चा तैयारी कर रहा है अपने आगे की, वो तैयारी करता रहे, मेहनत को करता रहे, पर आप इस बात पर भी ध्यान देना, जो बच्चा बिल्कुल पॉइंट तो नहीं थे दोस्तों, जो बच्चा एक ही नंबर से रहा है इसमें, ठीक है। और तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर और डाल देना इसमें, ताकि मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊँ हर बच्चों से और उनको एक दिन का समय लेकर के हम साथ जा कर के सभी वहाँ दिल्ली, मतलब जहाँ भी आपको जाना होगा कोर्ट केस के लिए, तो वहाँ पर जाएं और एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों ये ज़रूर हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।